हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अक्सर मैं आपके पास शिक्षा वृत्ति जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, लेकिन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वर्ग एक और वर्ग दो की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि अभी जो है वर्ग एक की पात्रता परीक्षा चल रही है और इसके बाद जो है आपकी भर्ती परीक्षा होनी है। वहीं वर्ग दो की बात करें तो 25 अप्रैल से आपकी जो है पात्रता परीक्षा चलेगी, उसके बाद भर्ती परीक्षा आपको देनी होगी। यहाँ पर कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो रहा है कि सर ये बताएं कि जो वर्ग एक के एग्ज़ाम है या हम वर्ग दो के एग्ज़ाम की बात करें, भर्ती परीक्षा की पात्रता परीक्षा का सिलेबस तो आपके पास है, लेकिन भर्ती परीक्षा हम किस आधार पर तैयारी करें, उसका सिलेबस क्या रहेगा। और ये वो कन्फ्यूजन है जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाता है। तो आज का डिस्कशन इन्हीं टॉपिक्स पर करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपको जैसे मालूम है कि वर्ग एक और वर्ग दो के ज्वाइनिंग आदेश जारी अभी तक नहीं हुए हैं, तो उसे लेकर एक ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। साथ में जो आपके वर्ग तीन के 51,000 पदों की मांग है, उसके लिए भी दोस्तों ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। तो कल मैं उस पर एक वीडियो ले आया हूँ, तो आप डेफिनेटली उसे देखें और इन मुहिम को सपोर्ट जरूर करें। साथ में दोस्तों 2018 में जो थर्ड काउंसलिंग हो, वो पद वृद्धि के साथ हो, इसके लिए सोशल मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। साथ में जमीनी स्तर की जो टीम है लगातार संघर्ष कर रही है। जो उपेक्षित विषय हैं दोस्तों, उसमें अच्छे नंबर लाकर भी लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो जब पद ज़्यादा खाली हैं दोस्तों, तो जो है पद वृद्धि के साथ थर्ड काउंसलिंग होनी चाहिए, जिससे कि सभी को ज्वाइनिंग मिल सके। क्योंकि बहुत से लोग ऑवरेज हो जाएंगे, जो आगे की एग्जाम्स है वो उनके लिए मायने ही नहीं रखती, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि अगला एग्ज़ाम आते आते और जो भर्ती परीक्षा है उसे देते देते हो सकता है वो ऑवरेज हो जाएं। तो उनके अभी अच्छे नंबर आएँ, उस आधार पर यदि थोड़े से ही पद बढ़ा दिए जाएँ तो उन्हें लाभ मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ग एक और वर्ग दो के। आपके काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर जुब चयन परीक्षा होगी, ठीक है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, उसका सिलेबस आपके पास है, लेकिन जो भर्ती परीक्षा होगी या चयन परीक्षा होगी उसकी तैयारी हम किस आधार पर करें। सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि जो पहले 2018 में भर्ती परीक्षा हुई थी उसका सिलेबस क्या रहा। हम दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं, वर्ग एक और वर्ग दो। ऑफिशियली जब आपकी भर्ती आएगी तो उसमें पोस्टें भी आएंगी और साथ में आपका सिलेबस भी आएगा। कन्फ्यूजन ये कि सिलेबस चेंज होगा क्या, मुश्किल है कि आपका सिलेबस चेंज हो दोस्तों। कारण मैं बता देता हूँ कि जो शिक्षक भर्ती का सिलेबस होता है, बहुत से बहुत 10% ऊपर नीचे जा सकता है, 90% वही रहना है। तो 2018 का जो सिलेबस है उसे लेकर यदि आप तैयारी जारी रखते हैं तो आप वो टॉपिक कवर कर ले जाएंगे जो कि आगे आपको बेनिफिट देंगे दोस्तों। सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं होना है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वर्ग एक और वर्ग दो में सबसे ज़्यादा फोकस या सबसे ज़्यादा नंबर आप किस में ला सकते हैं, हमें उसकी तैयारी करनी है, और ये होता है आपका मेन सब्जेक्ट। जैसे कि अभी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपकी पात्रता परीक्षा हो रही है, वो 120 नंबर का है, ठीक है। अब जिसने वो 120 की तैयारी कर ली, यानी कि 150 आपका टोटल है, जिसने वो 120 नंबर सही से पकड़ लिए, यानी आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस सही से कर लिया, उसे ज्वाइनिंग लेने से कौन रोक सकता है, क्योंकि उसके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। भाई बात करूं भर्ती परीक्षा में, तो वहां पर आपका जो टर्निंग पॉइंट रहेगा वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। अब मेन सब्जेक्ट आप कैसे तैयार करें, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें 2018 में, ज्यादा बदलाव होना ही नहीं है, कन्फर्म मान के चले। यदि 2018 का सिलेबस आप कंप्लीट कर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर थोड़ा बहुत जो चेंजेसन होगा, जो 10% चेंजेसन होगा, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, वो 10% की भी आप तैयारी कर ले जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका 90% जो है क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस रहना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक लड़का था और यहीं आप पास के गांव में रहता था, और हिंदी उसका सब्जेक्ट था, वर्ग दो की तैयारी कर रहा था। तो था गरीब परिवार से ही, खेती किसानी वाले लोग थे, और खेती में भी ऐसा रहता है कि अब उस हिसाब से पानी बारिश हो जाए या ना हो जाए तो वो उस पर आधारित हो गया है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अच्छी बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स ही होनी, और जो छोटे छोटे किसान हैं इनके पास कम ज़मीन है, उनके लिए दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों। तो वो सीपरी में उसने किराए से रूम लिया और यहाँ पे कोचिंग क्लास ज्वाइन की,
और हुआ ये कि एडवांस में ही कोचिंग क्लास वाले जो है फीस मांगते हैं। अब उसने दी नहीं, हो गए उसे 10 दिन 12 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तो उसे एक दिन जो है क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। तो वो चूँकि संपर्क में था मेरे में दोस्तों, क्योंकि यहीं से उसका आना जाना होता था, हमारी जो कॉलोनी है उसमें उसमें ही वो किराए से रहता था। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एडवांस में पैसे मांग रहे हैं और घर से पैसे आए नहीं हैं, क्योंकि गरीबी एक दौर ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब पैसे की ज़रूरत होती तब ना हो तो फिर सब काम रुक जाते हैं। तो उनके जो सर थे, मैं भी उनके पास गया, यहाँ पास में ही कोचिंग पढ़ाते थे, तो सर इसका ऐसा प्रॉब्लम है और एक स्टूडेंट तो ऐसा, आप जब 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है 11वें स्टूडेंट को 10-12 दिन और दे दो, वो कह ही रहा है कि 10-12 दिन में मैं जमा कर दूंगा। तो बहरहाल वो नहीं माने, क्योंकि उनका ये था कि हम 10 दिन दे दिए काफ़ी दे दिए, वही बहुत समझो, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पाएंगे फ्री में। तो फिर मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा प्रॉब्लम्स क्या है, बर्गदुम मतलब हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है, एमए किया मैंने हिंदी से, तो मेरी प्रॉब्लम्स क्या है पढ़ाई में। तो जब मैंने उसके अंक सूची देखी दोस्तों, बीए में 60% लेकर बैठा हुआ था बंदा, मैं यार तेरे 60% आए तो कोचिंग की क्या ज़रूरत है। मेरे मन में यही आया कि मैथमेटिक्स होती है या कोई और होता है तो वो बोर्ड पे समझाने में, यानी कि आदमी को फार्मूला सॉल्व करने हैं, तो वो एक चीज़ एक अलग हो जाती है, बाकी कि हिंदी में तो आपको जो है समझना है किसकी रचना क्या है भाई सब, तो इसमें उनकी प्रॉब्लम क्या है, कोचिंग की क्यों ज़रूरत है। तो होता क्या है कि दोस्तों एक कोचिंग का बहुत बड़ा एक ये चला दिया गया है कि आपने यदि कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो आपकी ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती, आपके अच्छे नंबर आ ही नहीं सकते। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं हमारा कोर्स नहीं खरीदा तो समझो कि आपके नंबर आएंगे नहीं, तो ये डर क्रिएट होता है सामने वाले के मन में कि भैया हमने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, चाहे हम ऑफलाइन ज्वाइन करें चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करें, हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं। तो ये जो डर होता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान गवा देता है, फिर उसके साथ 60% नंबर हो, ग्रेजुएशन में 70 हो, 90% हो, भागेगा कोचिंग के पीछे। तो मैंने उससे ही कहा कि ये 60% नंबर है और पढ़ाई कर आराम से, यहाँ पे तूने ले लिया है क्लास, ठीक है 8-10 दिन तू समझ गया होगा कि किस हिसाब से सामने वाला पढ़ा रहा है, हो सकता है सामने वाले ने खुद ही ग्रेजुएशन में 60% प्राप्त ना किए हों, वो तुझे समझा रहा है, और हो सकता है कि उसने भी कंपटीशन दिए हो, कहीं कुछ हुआ नहीं है तो वो कोचिंग में पढ़ा रहा है, ठीक है, या हो भी गया हो जो भी जाने। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाता है ये देख कर कि 2018 का जो सिलेबस है वो चेंज होगा और हमें नए सिलेबस चाहिए। अब नया सिलेबस आया नहीं है, क्योंकि जब भर्ती परीक्षा आई तब नया सिलेबस आएगा, उस टाइम तक आप बैठे रहो, तो समय ही बर्बाद हो रहा है ना आपका। इससे बढ़िया है कि अपना मेन सब्जेक्ट पकड़ो, ठीक है, एक आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, सेकंड लैंग्वेज, बगर दो की बात करें, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज बाल विकास हो गया, ये एक कंपलसरी हो गया सभी के लिए, लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है वही आपको ज्वाइनिंग दिलाएगा। अब उस स्टूडेंट का क्या हुआ मैं और आगे बता दूं कि उसने फिर सेल्फ स्टडी की और मेरे पास आता रहता था, तो कुछ मैं उसे बता देता था, उसका सिलेबस तो सामने था ही। तो ऐसे उसने और मैंने जो भी बताया, मतलब हमने ये था कि उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट उसने कर रखा था और फाइनली आज उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है जनजाति विभाग में। दोस्तों जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग हो गई है, उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि डीपीआई में जा सके, क्योंकि हिंदी की पोस्टें ही कम थी, लेकिन फिर भी वो जनजाति विभाग में ज्वाइनिंग ले गया, ये उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। हालांकि वो कहता ही है कि सर आपकी वजह से तो मेरी वजह से कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरा मतलब मेरा ये मानना होता है कि जब आप ग्रेजुएशन करे बैठे हो, डीएड बीएड करे बैठे हो, अच्छे खासे नंबर ले बैठे हो, फिर क्यों ये भ्रमित हो रहे हो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस तो रखो कि भैया मैं 60% नंबर लेके ग्रेजुएशन में आया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत। हाँ मैथमेटिक्स हो गया एक, ठीक है, उसमें ट्रिक होती हैं बहुत सी होती हैं, समझना ज़रूरी होता है, चलो कोचिंग मतलब प्रैक्टिस उसमें ज़रूरी है। मैथ में भी ऐसा नहीं कि ट्यूशन नहीं जाने कोचिंग क्लास, उसमें प्रैक्टिस चाहिए, इंसान प्रैक्टिस छोड़ जाएगा कहते हैं मैथ मेरा कमज़ोर है, भैया कमज़ोर इसलिए कि प्रैक्टिस छोड़िए। वैसे लोग कहते हैं सर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश क्यों कमज़ोर है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है उसकी। यदि आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे वो बेस्ट हो जाएगा, और रहे आर्ट्स के सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना उनमें तो आपको रेगुलरिटी चाहिए कि समझना है, और कोई भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कोचिंग या ये ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक माहौल मिलता है, कुल मिला के एक माहौल मिल जाता है, आप जैसे 10 लोग और मिल जाते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और सामने वाला जो टीचर्स है वो भी आपको समझा रहे, तो एक माहौल बन जाता है पढ़ाई का। और वही माहौल यदि आप अपने रूम में बना लें एक पढ़ाई का, मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, जो भी हो,
तो वो माहौल बन जाता है। तो उसमें आपका जो 2018 का सिलेबस आप कंप्लीट कर लें, तो आपकी जो मेन परीक्षा होगी, अब बहुत से लोग कहते हैं सर मेन परीक्षा कब होगी, जो भर्ती परीक्षा, चुनावी माहौल है, करा सकती है सरकार। हो सकता है कि चुनाव आते आते ही पहले आपका जो है भर्ती परीक्षा करा जाए और वो बोले कि भैया आप चुनाव में हमें आप जिताएं, उसके बाद हम आपकी ज्वाइनिंग करें। ये हुआ है, क्योंकि 2011 की भर्ती देख लो, 2018 की देख लो, ये हुआ है कि चुनाव के आसपास वो एग्ज़ाम करा देते हैं, तो इसकी संभावना भी प्रबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें वही ज्वाइनिंग ले पाएगा जो अपना मेन सब्जेक्ट पकड़ के रखेगा, और मेन सब्जेक्ट पकड़ने के लिए आपको सिलेबस चाहिए। सिलेबस आप 2018 का ले लें, उसे कंप्लीट कर लें। जैसे ही नया सिलेबस आए, जैसे ही आपकी भर्ती परीक्षा होगी उसका सिलेबस आएगा, चेंजेसन ज़्यादा होना नहीं है, है ना, थोड़ा बहुत होगा, आपकी तैयारी पहले से ही, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे, बस हो गया आपका काम। मेन तो ये है ना कि हमें उस मेन एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसमें बाल विकास भी है आपका, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज भी है, यानी हिंदी और इंग्लिश भी है, या फिर उर्दू या संस्कृत, जो भी आप लें, और मेन सब्जेक्ट आपका वो आधारशिला है जिस पर आप महल खड़ा करोगे, तो आधारशिला को मजबूत कर लो। अभी हम नींव का काम कर लेते हैं, जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तो पूरा मकान उस पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है दोस्त, है ना। तो आप जो कमेंट करते हैं ना कि सर हमें जो है मेन एग्ज़ाम का सिलेबस बताएं, अब वो कैसे बताएं, क्योंकि मेन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, अभी तो आपका पात्रता परीक्षा का आया, भर्ती परीक्षा का तो आया ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें 2018 का सिलेबस डाउनलोड करके उस हिसाब से तैयारी कंटिन्यू रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी अपने दिमाग से निकाल दें कि भैया कोचिंग क्लास ज्वाइन करना ज़रूरी है, ये ज्वाइन करना, ये कोर्स खरीदना, वो कोर्स खरीदना, मेन चीज़ है आपकी पढ़ाई करना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी बुक्स के साथ मेहनत कर रहे हो दोस्तों, वो आपको ज्वाइनिंग दिलाएगी, ये चीज़ें नहीं दें। ये चीज़ें जो हैं भटका आप देती हैं। मैंने अधिकतर देखा है कि भटकते रहते हैं लोग सर, और मेरे पास भी कमेंट करते हैं सर वो कोचिंग क्लास बता दें या ऑफलाइन ऑनलाइन। मैं कहता हूँ यार एक बुक्स पकड़ ले, उस पर पूरा अपना टाइम लगा दे, वही बुक्स तुझे ज्वाइनिंग दिला देगी। अब बहुत से लोग कहेंगे सर बुक्स ही बता दो, यार ग्रेजुएशन किया हुआ है, इतना आपने पढ़ा हुआ है, उसे ही रिवाइज करना है ना। जैसे आप वर्ग दो की बात करें, 3 साल का अपना ग्रेजुएशन का जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज कर लें। ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े ही आप ग्रेजुएशन हो गए, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो बस उसे ही विस्तार देना है। वर्ग एक की बात करें, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसे ही विस्तार देना है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से दोस्तों, जैसे बीए डीएड किया है तो उसमें जो भी पढ़ा है उसे विस्तार दें, हो जाएगा आपका। तो ये है दोस्तों, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और मैं भी कोशिश करूँगा जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस और लाने की, हालांकि मेरा जो सब्जेक्ट है ना, मैं सोचता हूँ कि यदि हिंदी कोई पढ़ने वाला हो ना तो मैं उसे बेस्ट गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का जो है हिंदी से लग चुका है, जिस तरह से तैयारी की थी वर्ग 2 में, वर्ग 1 के भी मैं हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस लाया था, तो वो भी, तो हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है और उस पर पकड़ अच्छी है। तो यदि कोई उस हिसाब से, या मैं समाजशास्त्र भी पढ़ा सकता हूँ आपको, पेडागोजी भी पढ़ा सकता हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड, ये सब मेरे जो हैं, तो मैं ये ले आऊँगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी है, कोई भी टीचर्स हो, कोई भी कोचिंग क्लास हो, कोई भी नोट्स हो, वो आपको सफलता नहीं दिला सकते जब तक आप स्वयं सफल होना ना चाहें। यदि आप स्वयं सफल होना चाहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। अंदर से यदि आपके प्यास लगी है तो आप पानी ढूंढ लोगे, यदि अंदर से प्यास ही नहीं है तो पानी ढूंढने की आपको चेष्टा ही क्यों करनी, ठीक है ना दोस्तों। तो वही है कि अंदर यदि आपके जज्बा है, जुनून है कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, और अब फार्म भर दिया है तो चाहिए ही चाहिए, तो मिल ही जाएगी, क्योंकि फिर आप लगातार तैयारी करते ही रहोगे। और यदि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, यदि आप 99% श्योर हो और 1% भी डाउट है ना, तो 1% आपके 99 पे धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाएगा। फिर वो 98 से आप 97 पे आओगे, 96 पे आओगे, 95, यानी घटते चले जाओगे। तो 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, 100% पढ़ाई करनी है, 100% एग्जाम देना है, 100% जॉब लेनी है, ये सोच कर चलना, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। जब फार्म भर दिया है तो नियुक्ति तक पढ़ाई करनी है, और नियुक्ति तक तो मीन्स आपके जब एग्ज़ाम हो तब तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो फ्री हो, फिर तो गवर्नमेंट के हाथ में कि कितनी पोस्ट है वो देते हैं, उस हिसाब से फिर जो है सब चलेगा। तो जो आपके अभी आप फर्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हो, पात्रता परीक्षा है, उसके बाद आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा भर्ती परीक्षा, उस तक पढ़ाई जारी रखनी है। यदि आपने सोचा है कि 4 घंटे कंटिन्यू मुझे पढ़ना है, तो उस तक 4 घंटे पढ़ना ही है,
ठीक है, क्योंकि वर्ग तीन में वही लोग सेलेक्ट हुए हैं जो 2020-21 और इनमें पढ़ाई जारी रख पाए। दोस्तों ध्यान रखना, 2020 का फार्म था, 2022 में एग्जाम हुए, 2 साल तक वो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे, छोड़ी ही नहीं उन्होंने, अच्छे नंबर आ गए, आज उनका चयन सूची में नाम आ गया। आज वो कमेंट करते हैं कि सर आपकी वजह से जो है हमारा नाम आ गया, जबकि अतुल कुमार शर्मा ने कुछ किया ही नहीं, किया उन्होंने है 2 साल 24 महीने लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखते रहे, आज नाम लेकर आ गए। अब उनकी पढ़ाई तो जो है एक तरह से, अब वो कह रहे हैं कि सर अभी तो हमारा एक पड़ाव हुआ है कि हम वर्ग तीन में जो है हमारा नाम आ गया, अब तो हमें वर्ग दो और एक की भी तैयारी करनी। और बहुत से लोग जो है वर्ग दो और एक की जो आपका अभी पात्रता परीक्षा हो रही है ना उसकी तैयारी में लगे हैं, वर्ग दो के एग्जाम होने, वर्ग एक में बहुत से लोग क्वालिफाइड भी हो गए, वर्ग तीन में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है और उन्होंने वर्ग एक अभी क्वालिफाइड कर लिया, जो पात्रता परीक्षा है आगे चल के वो मेन परीक्षा देंगे उसकी भी तैयारी रखें, तो ऐसे लोग जो है ना वो जॉब प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ पर पूरे यदि आप भावार्थ को समझे होंगे तो आज का दिन है और आपका जो भर्ती परीक्षा का एग्जाम का दिन है वो भी आना ही है, उसके बीच का जो टाइम है ना यदि आपने पढ़ाई में लगा दिया तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पोस्टें कितनी भी आए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से कुछ तो टीचर लगे ही हैं, उनमें अगला नाम आपका होना चाहिए। और मैं तो यही दुआ दूंगा कि जो मेरा वीडियो देख रहा है और यहाँ तक देख रहा है 100% उसकी ज्वाइनिंग होगी ही होगी। प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू रखें दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।